उधर। ओ वाह, मैंने आज तक इतने खूबसूरत पहाड़ कभी नहीं देखे। बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे ही बंद करता हूँ तुरंत बैंड आ जाता है, एक ऐसा मोड आ जाता है और एकदम एक नया नज़ारा। ये कभी पता नहीं चल पाया, इतने खूबसूरत पहाड़ है हमारे भारत के। और अभी तो मेरे को रजिस्टर भी कराना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है स्पीति जाने के लिए। ये देखो यहाँ पे क्या जुगाड़ बांधा हुआ है इन्होंने, ऊपर से पानी गिर रहा है। ये है नेचुरल कार वॉशिंग सेंटर, और गर्मी होती ना मैं इस पर बाइक ही चढ़ा देता। ऊपर से नेचुरल पानी आ रहा है वहाँ से, पहाड़ों की रानी थार। और गाइस ये सामने वाला पहाड़ देखो जो पीछे है, सबसे टॉप पे ऊपर उसके ना वो बिजली का खंभा लगा हुआ है, और इतना ह्यूज पहाड़ है। आपने कभी ऐसे पहाड़ देखे हैं गाइस, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। गजब, माय गॉड, अमेजिंग रोड। इस रोड ने सारा काम मक्खन बना दिया है, पता है। हाय क्या मजा आ रहा है। मैं कहने ही वाला था कि देखो मैं बैंड लूंगा और नया नज़ारा आएगा। ये देखो नया नज़ारा, इधर के कलर देखो पहाड़ों का, राइट साइड में पहाड़ों का कलर देखो, लेफ्ट में सिल्वर, राइट में गोल्डन और पीछे ब्लैकिश। तीन तीन कलर के पहाड़ इस साइड में देख पा रहा हूँ। पत्थर अलग अलग है, छोटे छोटे पत्थर जब जैसे ऊपर से गिर गिर के यहाँ इकट्ठे हो गए हो। जहर कति जहर और क्या मामला, मौसम नजारा जहर है जहर। उस पोर्शन पे धूप पड़ रही है तो वो पोर्शन अलग चमक रहा है, और बाकी छाव में बिल्कुल बीच में ऐसा लग रहा है किसी ने फोकस लाइट मारी हुई है सिर्फ वहां पे। ये नज़ारे अपने आप में ही कुछ अलग ही हैं यार, मतलब बिल्कुल कतई जहर जहर, इनका कोई तोड़ नहीं है, इनका कोई इतने मजबूती दिखने में ही ऐसा लग रहा है कि रॉबस्ट है। देख के बंदे को फील आया एनर्जी की, स्ट्रांगनेस की। मन कर रहा है बस देखता रहो बिना बोले। एक बंदा नहीं है, एक घर नहीं है, इतना बड़ा नज़ारा चल रहा है आपके सामने। एक घर नहीं है, एक पेड़ नहीं है, एक पेड़ है हो रहा ऊपर। ओह माय गॉड, एक ही पेड़ है। अब यहाँ से लेफ्ट जाना है कि राइट? लेफ्ट में है रोपा वैली, ग्लोरियस गोंग्योल रोपा वैली, an offbeat destination. आंटी नाको नाको, आंटी को सुनाई नहीं दे रहा शायद, मैं चेक करता हूँ आंटी से। आंटी जी नाको कहाँ है? नाको उस साइड जाना है, काजा भी उधर ही ना। ओके ओए होए यार, वो पहाड़ क्या गजब है भाई। हाँ जी आंटी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यार वो पहाड़ दूर बीच में देख रहे हो, मिट्टी का सा अलग ही दिख रहा है कुछ। ओह चलो यहाँ से यू टर्न मारना है हमें, ये रोपा वैली की तरफ है, इसको बाद में देखेंगे नेक्स्ट टाइम। ओह माय गॉड, मैं रोड के चक्कर में तो नज़ारा देखा ही नहीं यार। हे भगवान, आई
ट्रीज देख रहे हैं कितने सही लग रहे हैं यहाँ पे। ये पत्थर कुछ ज़्यादा ही नीचे आ रखे हैं। बाबा हम तो स्लो जाएंगे भाई, भाई तो पूरा उड़ा गया पानी। वो ऊपर ऐसे लग रहे हैं बस तैयार बैठे हैं नीचे आने के लिए, उन्हें इशारे की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो टिके हुए और अपने समय से ही नीचे आएंगे। आप ऑल्टीट्यूड पे जाओगे पानी की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो आपको एक तो विटामिन सी लेते रहना है और एक आपको ORS का घोल पीते रहो, डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा आपको, और ऑक्सीजन की जो कमी होती है वो भी थोड़ा दूर होगी। और ऑक्सीजन के लिए भी दवाई दी है वो मैंने ले ली है, डायमॉक्स होती है शायद, तो वो भी मैंने खा ली है, क्योंकि कल रात का एक्सपीरियंस मैं अच्छा नहीं रहा मेरा। रात के 12 बजे थे और चितकुल में कोई क्या डॉक्टर कहाँ का डॉक्टर, और इतनी बारिश, और मैं उठाने जाऊँ भी तो किसको उठाने जाऊँ। सच बता रहा हूँ, ऐसा लगता कि लग रहा था जैसे ऑक्सीजन मैं खींच रहा हूँ पर मेरे फेफड़ों में ऑक्सीजन घुस नहीं रही है, ऐसा लग रहा था रात में। ठंडी हवा चल रही थी फिर भी मैंने खिड़की दरवाजे खोल दिए, मैंने कि जो अंदर आना होगा आ जाएगा कीट पतंगा, लेकिन मुझे सांस तो मिलेगी कम से कम। बाकी ये कि सबसे ज़्यादा बात यह है कि पैनिक नहीं होना चाहिए, जब बंदा पैनिक हो जाएगा ना तो और हाल ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, आप हल्का सा भी चलते हैं सांस फूल जाता है। आपने ज़्यादा दिमाग चलाया या पैनिक हो गए ना, घबरा गए, उसी में ही ना अंदर सांस फूलती जाएंगी और भी ज़्यादा परेशान हो जाओगे, बहुत गलत हो जाएगा सिचुएशन। तो इससे बेटर ये कि अगर कुछ हुआ है सांस वास का बिल्कुल पैनिक मत हो, लेट जाओ आराम से, पैनिक नहीं होना बस बिल्कुल भी। और ये गाइस ये देखो ब्लाइंड कर्व अहेड, मैंने पहले ही जो है ना कैमरा ऑन कर दिया कि नज़ारा चेंज होगा, और वाकई में चेंज हो गया। चेक पोस्ट आ रही है, बस यहाँ रजिस्ट्री मत करवाना, मतलब रजिस्ट्रेशन मत कराना, आगे करा देना रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बहुत थके हुए हैं भाई। जय हिंद सर, जय हिंद जनाब। ये देखो ऊपर ऊपर बादल छाए हुए हैं भाई, कर देना यहाँ पे भी बारिश, चितकुल में तो तुमने मेरे दो रात लगवा दी, यहाँ पे भी कर देना। पर यह कि मौसम यहाँ उतना ठंडा अभी तो नहीं लग रहा है, मैं चाहूँ तो कैंपिंग भी सोच सकता हूँ, मतलब यहाँ पे अपनी कैंपिंग। चितकुल की बात तो भाई अलग थी। बस यहाँ पे देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होगा। वो देखो वो कुछ शहर आ रहा है, इस बिनावन से ले लेते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। ओ माय गॉड, ये देखो ये तो ऐसा लग रहा है प्रॉपर लद्दाख आ गए, अब आ गए भाई स्पीति के पहाड़, अब आ गए पहाड़ स्पीति के। वो सीधा ही जा रहा है, ये तो नहीं होगा, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, पीछे का पहाड़ देखो बंजर, सारे पहाड़ बंजर हैं, बैरन।
और ये एक और नज़ारा देखो गाइस, मैं पूह पहुंच गया हूँ अभी। यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ नाको निकलना है या यहाँ पे रुकना है। वैसे नाको देखूँगा, ये नज़ारे दिखाने के लिए रुका हूँ बस आपको। और भाइयों ये देखिए, ये वाइट कलर के, ये शायद आर्मियों का है, आर्मी वालों का है। मतलब मैं सिर्फ वो ढांचा दिखा रहा हूँ कैसे, मतलब रुकने के कैसे इन्होंने बनाए हुए हैं। बहुत ही अमेजिंग और अलग अलग से दिखने वाले हैं। मुझे नीचे से जाना होगा, ऊपर तो आर्मी एरिया है। कहीं कहीं पे पेड़ पौधे आ रहे हैं, देखो वहाँ पौधे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे ग्रीनरी है, वहाँ ग्रीनरी, एक पैच पैच टाइप में है मतलब। आगे वहाँ पे काफ़ी शॉप्स वगैरह दिखाई दे रही हैं। डबलिंग ब्रिज, हम लोग डबलिंग ब्रिज से अब निकल रहे हैं और डबलिंग ब्रिज पे रुक के एक बार तो बनता है ये नज़ारा। ये देखो पहाड़ देखो, ये वाला, ये तो ग्रैंड कैनियन से ऐसे लग रहे हैं, है ना, सुपर सुपर से भी ऊपर। यहाँ पे घर भी हैं, घरों को देख के अच्छा लगता है। गाइस इस टाइम हम क्रॉस कर रहे हैं डबलिंग ब्रिज, और ये डबलिंग चेक पोस्ट है यहाँ पे। यहाँ पे अपनी डिटेल्स बस आपको नोट करानी होती हैं और कुछ भी ऐसा वो नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी है। आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दी जाती है कि कोई मिस हैपनिंग होती है तो एटलीस्ट आपके परिजनों को इन्फॉर्म किया जा सके। वाह नज़ारे देख लो, गजब गजब, बहुत ही गजब। ये पत्थर देखो किस तरीके से, ये पत्थर पत्थर वाले पहाड़ अलग, वो सामने वाले अलग, वो सामने वाले अलग। जन्नत है जन्नत। ये है खाब। ओके यहाँ पे देखो दो नदी आ रही है, मैं पहले व्यू तो यहाँ से ले लूँ। वो देखो दो नदी आ रही है, आगे बैठे हैं वो पॉइंट आगे, फिर भी हम यहाँ से ले लेते हैं थोड़ा सा, आगे से भी ले लेंगे। एक वहाँ से आ रही है उधर से, और एक यहाँ से जा रही है, ये दोनों मिलके एक हो गई हैं। और गाइस ये है खाब, ये देखिए, ये यहाँ पे संगम हो रहा है दो नदियों का। एक नदी यहाँ से आ रही है, वाओ नज़ारे देखो, ये पुल पे खड़ा हूँ मैं इस टाइम, और एक नदी ये आ रही है और दूसरी दिखाता हूँ। और ये शेप देखो कैसे पहाड़ काट के रास्ता निकाला हुआ है। ये नदी ये जा रही जो मैंने दिखाई है, इसके बारे में कुछ तो लिख देते सर। मालिंग, मालिंग सीमा प्रारंभ, मंडल किन्नौर। ये देखिए जी पूरा बढ़िया नज़ारा यहाँ से आ रहा है, ये ऊपर का नज़ारा। अब हम नीचे जा रहे हैं, ये नदी देखिए अब तरीके से, ये यहाँ से जा रही है वहाँ से जा रही है। पानी के कलर में हल्का फुल्का सा डिफरेंस है, बाकी सेम ही है। ठीक है जी, ये थी खाब। देखो यार यहाँ से क्या गजब धारा है यहाँ से, ये पहाड़ व्यू देख पा रहे हैं आप। ये स्पीति की तरफ रास्ता लिखा हुआ है, यही है रास्ता जहाँ पे हम जाना चाहते हैं। और देखिए, और बाबा ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत की पेंटिंग आ गई है सामने, देख रहे हो, है ना अमेजिंग गाइस। वाह अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है ये तो अपने आप में। आई लव स्पीति यार, अभी तो स्पीति टच भी नहीं हुआ है। और देखो कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ।
चलते चलते ये पीछे आसमान साफ नीला नीला कितना अच्छा लग रहा है यार, बिल्कुल क्लियर ऐसा नीलापन है ना आसमान में, जैसा मैं कई वीडियोस को पोस्ट करने से पहले लोग वो करते हैं ना एडजस्टमेंट करते हैं, कलर ग्रेडिंग करते हैं, वैसा आसमान का कलर दिख रहा है ब्लू विदाउट एनी पोल्यूशन। ये देखो है ना, अगर देख पा रहे हो तो कहाँ जाइएगा। वो देखो लेफ्ट पे उसी तरह जा रहे हैं, ये फ्रंट में आएगा अब ये व्यू, और ये व्यू देखिए, ये व्यू देखिए सुंडो 59 किलोमीटर, कॉरिक 76 किलोमीटर, और ये व्यू देखिए भाई है ना गजब का व्यू। ओए होए 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 कितना अच्छे उठ लग रहे हैं फ्लैग्स उठते हुए मेरी बाइक पे। वो ऊपर धूप पड़ रही है पहाड़ों पे यार, अमेजिंग। ये तो देसी ग्रैंड कैनियंस हैं हमारे, पहाड़ बिल्कुल बदल चुके हैं, ये हिमाचल बिल्कुल बदल चुका है अभी यहाँ पे। आप देखो छोटे छोटे, अरे कितना क्यूट सा है इसका बच्चा। हेलो भाई क्या हाल चल रहा है, कुछ खाया आपने? कितने प्यारे प्यारे बेबी है आपका, देखो शर्मा के डर के खड़ा हो गया वहाँ पे। हेलो फुल ग्रोन है, कितनी छोटी हाइट के है, बच्चा भी उतना ही बाप भी उतना ही। हवा भयंकर हवा, ये बॉयज ट्रिप होनी चाहिए यहाँ पे, पता है जो बाइकर्स बॉयज ट्रिप होते हैं ना बिल्कुल आना चाहिए भाई यहाँ पर सेफ्टी के साथ में, क्योंकि रोड देखो कितने अमेजिंग बनाए हुए हैं, आप आराम से यहाँ पे प्लान करके आ सकते हो यार। और ये नज़ारे आप देखना नहीं चाहोगे, देखो आप नहीं चाहोगे आप ऐसे जैसे मैं हाथ कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, ये देखो ये देखो ऐसा करना चाहते हैं अभी तो आओ बनाओ प्लान स्पीति का, और स्पीति नहीं जाना तो रास्ते तक आ जाओ, रास्ते कितने खूबसूरत हैं यहाँ पे देखो, ज़रूरी है स्पीति जाना। वाह वैसे एक बात है, जो यहाँ तक आ गया वो स्पीति तक जाके मानेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि जो यहाँ तक आ गया वो कुछ अलग ही हिसाब का बनता है, वो नहीं रुकता फिर, वो हो जाता है ये अनस्टॉपेबल। ऊपर चढ़ना शुरू हो गया, ऑक्सीजन का लेवल घटेगा, बिल्कुल घटेगा, पर मैंने दवाई ले ली है टाइम से, तो देखते हैं भाई रात में आएगा जो दिक्कत आएगी या जो भी पता चलेगा वो रात में पता चलेगा। एक भी पेड़ नहीं दिख रहा जी, एक भी पेड़, पेड़ ख़त्म, अब ये झाड़ झूड टाइप में ही है बस। देखो वहाँ से आ रहा हूँ नीचे से, और ये रास्ते वो गाड़ी आ रही, उसके बाद वो ऐसे चलते हैं अब नीचे और ऊपर, और अब देखो ये रास्ता लूँगा वो जा रहा है वहाँ पे, फिर वो ऊपर जहाँ से ट्रक उतर रहा है, ऐसे करते करते पूरा ऊपर ले जा रहा है अभी हाइट पे। आ रहा हूँ भाई नाको आम का मैं, नज़ारा देखो गाइस, ओह ये बीच में पहाड़, रेत 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 रेत, ये देखो जी
नाको कितना दूर है? नाको अभी यहाँ से 15 किलोमीटर। चलो धन्यवाद। फुटबॉल चल रही है भाई। और ये पहाड़ों की देखो शेप, साइज, स्ट्रक्चर और कलर भी। पंद्रह किलोमीटर बाद नाको। मेरा तो मन कर रहा है अभी काजा निकल जाता हूँ। 5:30 हो गए हैं। जय महाजय वाला। यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर लियो, 7 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से हेल्थ सेंटर। छोलिंग विलेज, लियो लिंक रोड, हांगो एंड छोलिंग विलेज। लेंथ 20 किलोमीटर का रोड है ये, बट आई थिंक हमारा रास्ता ये नहीं होगा, हमारा रास्ता यही होगा। जैसी हेल्थ सर्विसेज हमें और आप लोगों को मिलती है, आई डोंट थिंक उसका 1% भी यहाँ पर इन लोगों को अवेलेबल है। और बहुत ही मुश्किल होती है टूरिस्ट के लिए भी, और काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है। तो ये है यहाँ पर लियो में प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज। अगर यहाँ पर कुछ मिस हैपनिंग होती है या कुछ ज़रूरत पड़े तो आ सकते हो। नाको गाइस यहाँ से रह गया 10 किलोमीटर। और ये सीन देखो, ये अपनी बीवी की याद में लगाया इसने इस तरीके का हॉर्न। देख लीजिए जी नज़ारे। नाको रह गया जी 10 किलोमीटर। एक पेड़ नहीं है, एक भी पेड़। व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया यार, इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग नाको पहुँच जाएंगे। नाको गांव का टूर मैं कराऊंगा घुसते ही, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे रुककर थोड़ा सा इन नज़ारों के आनंद उठाना चाहता हूँ, समझ रहे हो ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये नाको की फर्स्ट है।